राफी सिंह को एक रुपए भी नहीं देंगे। आप समझे, नहीं देना उनके ट्रस्ट में। मुझे मालूम है कि वो मुसलमानों को नचाने के लिए हथियार खरीद खरीद करके, नहीं उनको न दे, जमायत इस्लामी वालों को दे दो, ग्रेलवियों को दे दो, उनके ट्रस्टियों को दे दो, अहलती सदरात को दे दो, ट्रस्टियों को दे दो, अहलती सदरात को दे दो, अहलती सदरात को दे दो, ट्रस्टियों को दे दो, अहलती सदरात को दे दो। पाकिस्तान के सैलाब मुतासिन के लिए हुकूमत की जानिब से दुनिया के बड़े मालियाती इदारों और ममालिक से राबते और इमदाद की अपील की जा रही है। ऐसे में शिया मराजे भी मुतासिन की मदद को आ गए। आयतुल्लाह सिस्तानी के बाद आयतुल्लाह खामनई ने भी सहम इमाम का 50% पाकिस्तानी सैलाब मुतासिन पर खर्च करने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। मुतासरीन की इमदाद के लिए हुकूमती इदारे, पाक फौज और फलाही तंजीमें दिन रात मसरूफ अमल हैं। बड़े पैमाने पर तबाहकारियों के बाइस हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दुनिया के बड़े बड़े मालियाती इदारों और ममालिक से राबते और इमदाद की अपील की जा रही है। ऐसे में शिया मराजे भी पाकिस्तानी मुतासरीन की मदद को आ गए। ईरान के सुप्रीम लीडर और मर्जे तकरीर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने खुम्स की रकम से सहम इमाम का 50% सैलाब मुतासरीन पर खर्च करने की इजाज़त दे दी। उन्होंने अपने मुकल्लदीन से सैलाब मुतासरीन की बढ़ चढ़कर मदद की अपील भी की है। इससे पहले गुज़श्ता रोज इराक के बुजुर्ग आलिम दीन और मर्जे तकलीद आयतुल्ला सिस्तानी ने भी अपने मुकल्लदीन से पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील की है। आयतुल्ला सिस्तानी ने खुम्स और सहम इमाम के जरिए सैलाब जदगान की मदद की इजाज़त दी थी।